मेंटर्स एट सर्व क्लासेस ने शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों के साथ मिलकर के शिक्षक दिवस मनाया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। उसी दौरान कई छात्र ने अपने अलग अलग प्रस्तुतियां से शिक्षकों का दिल जीत लिया। शिक्षक ने कई तरह के किस्से दोहराए। शिक्षकों ने बताया कि किस हिसाब से एक शिक्षक छात्र को बीज की तरह अंकुरित करके सींच के उसे एक बड़ा विशाल वृक्ष बनाता है और दुनिया के सामने उभारता है। छोड़े चलते हैं वहाँ के कुछ चुनिंदा तस्वीरों के साथ। मेरा मानना है कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हम सारे टीचर्स को पहले तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी इस बिहेवियर से जो रेस्पेक्ट तुम लोग देते हो या जो प्यार तुम लोग देते हो उससे हम लोग की जिम्मेवारी और बढ़ती है। ठीक है ना, हमें लगता है कि नहीं तुम्हारे लिए और कुछ करना है। और कोशिश मेंटर्स में सारे टीचर के साथ यही होता है कि हम बच्चों को बेस्ट पढ़ना है ना, उनके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोड्यूस करें, उनके लिए बेस्ट टेस्ट पेपर बनाए ताकि तुम आने वाले दिनों में इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ कर पाओ, है ना, और अपने लिए पहले अच्छा मुकाम हासिल करो। उसके लिए तो तुम में से ही बच्चे जो सेलेक्ट होकर फिर IIT में जाते हैं, NEET में जाते हैं। और अभी मैं देखता हूँ आज सुबह से मेरे WhatsApp पे इतने सारे मैसेजेस आए होंगे, सब मैं खोल के देख भी नहीं पाया कि क्लासेस भी थी मेरे बीच। तो IIT से, NEET से, अलग अलग कॉलेजेस से जो बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे जगह प्लेस हो गए हैं, IIM में पढ़ रहे हैं, वहां से पास करके फिर अपनी कंपनी खोल चुके हैं, ऐसे सारे बच्चों के सुबह से मैसेज आ रहे हैं। तो हमारे लिए वही गुरु दक्षिणा होता है जब तुम्हारा सक्सेस होता है और तुम एक मुकाम पा लेते हो, और वो जो अचीवमेंट तुम्हारा है वो हमें लगता है कि वो हमारा अचीवमेंट है, तो वही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तो मैं तुम लोग से आज एक्सपेक्ट यही करूंगा कि तुम अच्छे से पढ़ो और खूब तरक्की करो ताकि आने वाले दिनों में तुम्हारी स्टोरी हम किसी से शेयर करें। This gathering, और अब मैं ज्यादा तुम्हें बोर नहीं करूंगा। अब मैं चाहूंगा तुम में से कोई लोग कुछ बोले, कुछ गाना वाना सुनाओ। तो उसमें मैंने लिखा है कि लगते यार मेरे घर में आप पहचान ही क्या है, लगते यार मेरे घर में आप पहचान ही क्या है, और बच गया मैं तो सिंपल जला ही क्या है। है शिक्षा जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। टीचर एक भगवान का एक ऐसा मानी होता है जो कि उस बगीचे में, उस भगवान में छात्र भी बीच को ऐसे उसमें उसको सींचता है, अपने मार्गदर्शन, अपने अनुभव, अपनी विद्या और अपने जितने भी ज्ञान संपूर्ण होगी उसके द्वारा उसको इतना सींचता है, उसको समय समय पर निरंतर उसके अपना मार्गदर्शन देता रहता है, अपना आशीर्वाद देता रहता है, जिसके कारण वो बच्चा आगे चल रहा है, अंकुरित भी आगे चलकर अंकुरित होता है, पौधा बनता है और एक दिन वो एक विशाल वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने आता है। जो विशाल वृक्ष उस व्यक्ति को अर्थात उस जो बीज होता है वो उसका विशाल वृक्ष नहीं होता है, बल्कि वो एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है। जब कोई टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है तो उसे उसका उस बच्चे के प्रति बस एक ही भाव होता है कि मेरा बच्चा आगे चलकर सफल हो, क्योंकि बदबू में कहा भी गया है गुरु गुरु चेरा चेली बन गया, तो यही गुरु चाहता है कि मेरा बच्चा आगे चले, मेरे से भी आगे जाए, और गुरु के लिए हमारे लक्षण ये होते हैं कि हम गुरु से भी आगे जाए और गुरु का नाम रोशन करें, क्योंकि जहां भी जाएंगे अगर हम नाम रोशन करेंगे जितने भी सात संबंधी हैं उन्हीं का नाम रोशन होगा।